हाय एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं मसालेदार मम्मीज किचन। सो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं वेज लसानिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है बनाना खाना। जैसा आप देख भी सकते हैं, रेसिपी बहुत ही मतलब अच्छी लग रही है, नाइस लुकिंग है इसकी। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैंने सब्जी को कट कर लिया है। मैंने शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी, ये सब सब्जियाँ ली हैं। आपके पास जो भी सब्जी हो आप ले सकते हैं, मेरे पास जो भी अभी थी मैंने ले लिया है। इसको बहुत बारीक बारीक हम कट करेंगे, एकदम से फाइन चॉप करेंगे। ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है, इसीलिए हम इसे बहुत ही बारीकी से कट करेंगे। सो गाइस, इस लसानिया रेसिपी मतलब बहुत ही आसान होती है और कई तरीके से बनाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम जिस तरीके से बनाए हैं वो, तो मैंने इजली जो मुझे लगा इस स्टेप को मैंने फॉलो किया है। तो आप मतलब बहुत तरीके से बना सकते हैं। बस आज की जो रेसिपी मैंने बनाई है, फटाफट से बच्चों को लंच बॉक्स में मुझे देना था, सुबह मॉर्निंग बनाना था, इसलिए मैंने इस तरह से इसे बनाया हुआ है। टेस्ट और बहुत ही इसका अच्छा है गाइस। तो अभी तो मैंने एक पैन चढ़ाया, उसमें थोड़े से लहसुन कट करके डाले हैं और प्याज डाल देते हैं। और ज़्यादा मुझे इसे मतलब पकाना नहीं है ना फ्राई, मतलब एक तरह का तड़का नहीं लगाना है इसमें, बस हल्का सा इसको हमको सौते करना है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। और इसी में हम सारी सब्जियों को डाल देंगे जो जो मैंने कट करके रखा है। इसकी पास्ता सीड भी बनाई जाती है लसानिया की, उसकी सीड मतलब बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। आप आराम से पेशेंस के साथ अगर बना रहे हैं लसानिया तो ही सीड वगैरह बनाएं, अदरवाइज इसी तरह से आप टप्पड़ से बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो लसानिया की सीड कैसे बनाते हैं अगली वीडियो में हम ज़रूर उसको शेयर करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि जो सीड बनाते हैं उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो अभी मैंने ब्रेड का बनाया हुआ है, तो इसमें मैंने पत्ता गोभी डाल दिया है, नमक डाल दिया है, इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। और टमाटर की प्यूरी मैंने बना ली थी, इसको भी इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसाले हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। और शिमला मिर्च को मैंने बाद में डाला है, क्योंकि इसका क्रंचीपन बना रहे सब्जी में, इसीलिए मैंने बाद में डाला है इसको। आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं, पर ये ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा कुक हो जाता है, अच्छा ही लगता खाने में। थोड़े मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करना है। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पका लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को मतलब पूरा देखें, आधी अधूरी ना देखें। हर चीज़ तभी समझ में आती है जब हम वीडियो को पूरा देखते हैं। इसी तरह से हम ब्रेड को बेलन से अच्छे से इसे हम बेल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। और फ्रेश ब्रेड अगर आपको ना मिले तो आप थोड़ा सा पानी का छीटा देके इसे सॉफ्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए, हम बेल लिए हैं पूरे ब्रेड को इस अच्छी तरह से, अब हम लिए हैं इसको, हमको माइक्रोवेव ओवन में बनाना है। तो अभी इस पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं। अगर आप मतलब गैस से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का कोई पैन हो नॉन स्टिक, उसमें इस तरह से ऑयल ग्रीस करके नीचे, जैसे जैसे हम इसमें करेंगे बर्तन पे प्लेट पे, वैसे आप उसमें भी कर सकते हैं। तो मुझे ओवन में बनाना है, तो हम उसी तरह से तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा स्वीट कॉर्न था, मैंने इसको डाल दिया है, इसमें मिला लेंगे अच्छे से हम। बच्चे तो इसको इतना मजे से खाते हैं, झूम के खाते हैं। अगर लंच बॉक्स में आप दे देते हो ना, तो समझ लीजिए उस दिन लंच बॉक्स पूरा खाली हो जाता है, और बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम सब्जी को पहले नीचे डालेंगे। आप इस तरह से एक लेयर सब्जी का डाल दें, अब इसके ऊपर हम ब्रेड डाल देते हैं। इक्वली इसको आप इस तरह से डालें ब्रेड को। इसी सीट की मैं बात कर रही थी, आज मैंने ब्रेड में बनाया हुआ है, इसकी सीट भी बनाई जाती है, सीट में बनता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो थोड़ा जल्दी हो जाती है, सुबह टाइम इतना नहीं होता है। बच्चों ने डिमांड किया कि बनाओ आप फटाफट से लसानिया बनाओ, तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना देते हैं इसको। तो सारी सब्जियों को इस तरह से मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा इसमें डालेंगे मोजरेला चीज़,
पहला चीज आप थोड़ा ज्यादा ही डालें, बहुत अच्छा लगता है चीज खाने में। अब मैं पनीर डाल देती हूँ इसमें। पनीर की स्लाइस मैंने लंबी लंबी काट के रखी है, आप चाहें तो छोटा छोटा भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी तरह से रखें, आप अपने तरीके से स्ट्रेट कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक लेयर ब्रेड की डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ी थोड़ी सब्जियां इस पर फिर से हम इसी तरह से स्प्रेड कर देते हैं। अब हम फिर से इसमें मुज़रेला चीज़ डाल देते हैं इसी तरह से। इटालियन डिश के दीवाने हर कोई होते हैं, क्योंकि इटालियन डिश जो होती है बहुत ही अमेजिंग होती है, काफ़ी अच्छी होती है, टेस्टी भी होती है, और लुक भी उसका बहुत ही अच्छा आता है देखने में। तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ और बनाती हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है बाकी। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है ये। तो अब मैंने माइक्रोवेव ओवन को, इसको कन्वेक्शन मोड पर रखूँगी। प्री हीट के लिए मैंने 2 मिनट पहले प्री हीट कर दिया था, और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए बेक करेंगे। और इसका टेम्परेचर मैंने 160 डिग्री रखा है। अब इसको हम छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, बेक हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको हम बेक कर लेंगे। सो गाइस, चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारा काफ़ी हौसला भी बढ़ जाता है। आप मतलब निःशुल्क उसको आप कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है गाइस। देखिए हम बहुत ही नाइस लुकिंग है, वाओ लुक एट दिस गाइस, कितना बढ़िया हमारा लसानिया बन के तैयार है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं, वाह बहुत ही टेस्टी बन के तैयार है डिश हमारी गाइस। आप भी इसे ट्राई करें ज़रूर, अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर करें, बताएं कि रेसिपी कैसी है, और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हम तो चल रहे हैं इंजॉय करने गाइस, आप ही बनाइए, इंजॉय करिए, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा जाते जाते। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।